नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चारू सैनी और आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज। हर जगह पर नवरात्र की धूम है। इस नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा भी बड़े हर्षोल्लास के साथ की जाती है। दिल्ली में माँ दुर्गा के ऐसे विशाल पंडाल देखे जा सकते हैं। हर जगह पर भक्तजनों की भीड़ है। कई दुर्गा पंडाल की शोभा देखने पहुंचे हैं तो कई दुर्गा माँ की स्तुति करने। आइजम्स न्यूज की टीम भी ऐसे विशाल पंडालों में पहुंची। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महाअष्टमी की शाम जब आरती के लिए हजारों श्रद्धालु शामिल हुए तो नजारा देखने लायक था। इस वक्त हम मौजूद हैं सीआर पार्क में स्थित दुर्गा पंडाल में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी हुई है। दिल्ली में नवरात्रों का माहौल है, जगमग हो रखा है सब कुछ। जैसे कि आप देख सकते हैं, बंगाली लोग काफी देख पा रहे होंगे आप। बंगालियों की विशेष तिथि होने के कारण भारी सैलाब देखा जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है लोगों के भाव। तो आंटी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। क्या भाव है आपके दुर्गा माँ से? दुर्गा माँ तो हमारी प्रिय है, हम सब समय इनके इंतजार में रहते हैं जो कब दुर्गा पूजा आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आंटी में कितना उत्साह था, और एक बंगाली होने के कारण वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाई है कि दुर्गा माँ से उनके कितने भाव जुड़ रखे हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं किस प्रकार का माहौल है अंदर। दुर्गा पूजा का नाम आते ही दिल्ली के सीआर पार्क का नाम सबसे पहले सामने आता है। यहाँ हो रहा धुनूची डांस और ढाक पूजा इस परंपरा का एक खूबसूरत हिस्सा है। हर चीज आप पूजा के अंदर देखोगे ना, इट हैज अ सिग्निफिकेंस। केले का पत्ता, ये किसका सिग्निफिकेंस है? गणेश का। बेल जो है, बेल का पेड़ होता है ना, बेल का जब भी होता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? वो शिवजी का है। हर चीज की इसमें, हर चीज की पॉइंट ऑफ रेफरेंस होती है। यूं तो माँ दुर्गा के पंडालों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है, लेकिन सीआर पार्क के मेला ग्राउंड में हो रही बंगाली रीति रिवाजों के साथ ये दुर्गा पूजा और पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। बताइए, यहाँ पे जो दुर्गा पंडाल लग रहा है, ये कितने समय से लग रहा है? हम ये अपना 49th ईयर मना रहे हैं अभी, और बहुत ही उत्साह से हर साल हम ये मनाते हैं। ये चार दिन जो हम करते हैं, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, ये बहुत ही हमारे लिए, हम पूरे साल वेट करते हैं इसके। तो लगभग आप लोग को ये सब करते हुए 50 साल होने वाले हैं, तो क्या क्या मुसीबतें होती हैं या फिर माँ दुर्गा अपने आप ही सब करवा लेती है? माँ माँ है, माँ अपने बच्चों से जहाँ जो चाहे वो सब कुछ करवा लेती है। जो चाहे, हम माँ से सिर्फ आशीर्वाद लेने आते हैं, माँ को थैंक यू कहते हैं। और माँ हमारे बंगाली में कस्टम है, माँ दुर्गा हमारी बेटी है, तो जब बेटी अपने घर आती है तो फिर उसको उसी तरह से हम इतना खुश होते हैं जैसे एक बेटी अपने पापा के घर आती है, माँ के घर आती है। वही हमारी फीलिंग होती है कि आइए, और हम यही उत्साह, यही जो ये उत्सव है, ये मनाते हैं हम 5 दिन जी। तो जैसा कि अभी आपने कहा, माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं, तो बहुत जगह, हर जगह का अपना रिचुअल अलग होता है, तो आप लोगों के क्या मेन रिचुअल्स क्या होते हैं, जो मेन पूजा का तरीका क्या होता है? मैं आपको बताऊँ, यहाँ अगर आप आएंगे तो हम जो षष्ठी, इसको षष्ठी तला कहते हैं, माँ बेल वृक्ष के रूप में यहाँ स्थापित होती है षष्ठी वाले दिन। आज के दिन सुबह हम स्थापित करते हैं, फिर माँ को हम, माँ दुर्गा के यहाँ पे हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो आपने अभी देखा भी होगा, माँ दुर्गा के को हम प्राण प्रतिष्ठा करके फिर हम पूजा करते हैं। लेकिन षष्ठी तला हम माँ को, हमारा जो थीम है, हमारा जो ये है, ये प्राकृतिक है, तो हम प्रकृति से माँ को पूजते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे केला के ये बेल रूप में माँ को स्थापित किया गया है, इसको षष्ठी तला कहते हैं, और माँ दुर्गा को भी हम इसमें पूजते हैं। नवरात्रि के अवसर पर सीआर पार्क में महाआरती की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार नजारा कुछ खास है। तो ये थी नवरात्रि पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए आइजम्स न्यूज के साथ।